Now we have the last question of this exercise, question number 12, exercise 9.3. Which of the following differential equation has y equal to x as a one of its particular solution? Particular solution में हमारे पास एक भी constant नहीं होता है और definitely इसमें constant नहीं है, but ये चार है, चार में से कौन इसका particular solution बनेगा? आइए देख लेते हैं. The curve, जो curve हमारे पास है वो है y equal to x. ठीक है, आप इसको differentiate कीजिए with respect to x, y dash equal to 1 आ जाएगा. दोबारा differentiate कीजिए, y dash dash equal to 0 आ जाएगा. अब इनके बारे में जरा सा सोचिए, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सब में पुट करनी है, इसमें भी ये चारों में, और जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा वही राइट ऑप्शन है. तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं आपको सीधा सी के बारे में सोचने के लिए कहूं, देखिए आप अगर सी के बारे में सोचते हैं, सी तो बिल्कुल दिखी सेम रहा है, वाई डैश डैश इक्वल टू जीरो. यहां पर क्या रख लेना आपने, सी ऑप्शन को एक बार आप देख लीजिए, ये पहली नजर में ही उसका आंसर दिख रहा है. मैं आपको समझा देता हूं, आप लिखने के बाद समझ जाएंगे. देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, फिर आपको भी ये लगेगा कि सच में यही इसका आंसर था. यहां पर आपने क्या रखना है ब्रदर, जीरो रख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस में डीवाई अपॉन डी एक्स के प्लेस में आप क्या रखेंगे, यहाँ पे वन रख लीजिए, और यहाँ पर एक्स है. वाई क्या है जी आपका, ये देखिए वाई क्या है, एक्स है. तो देखिए क्या ऑप्शन हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों वाली बात. तो जीरो इक्वल टू जीरो डेफिनेटली, तो सी वन जो है इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा. बाकी सबको भी आप आराम से बैठ के जब आपके पास टाइम हो उस टाइम आप चेक कर लीजिए. आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं, डेली 5 या उससे ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं. हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच.